नमस्कार बच्चों, मैं हूं हरी सर और एक बार फिर मैं आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाई चैनल पर स्वागत करता हूं। चलते हैं बच्चों अगले पाठ पर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है इस सीरीज में हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। जी हां, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं और देखिए इधर हम करने वाले हैं अब ये पार्ट 36। आप देख सकते हैं, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी द प्रूव दैट कोसेक और ब्रैकेट ए प्लस बी बाई टू इक्वल होगा सेक सी बाई टू के। ठीक है, ये हमें करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं ये CBSE 2011 में भी आया हुआ है और आगे ये थ्री पार्ट में कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में मैं डाल दूं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर और ये आगे के जो थ्री पार्ट है ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आइए करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर बच्चों देखिए मैंने पहले से लिख के रखा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आइए करना शुरू करते हैं। देखिए यहां पर वी नो दैट द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, जो थ्री एंगल होते हैं ट्रायंगल के उनका जो सम होता है वो इक्वल होगा 180 के। तो आइए मैं कर लेता हूं, देखिए यहां पर लिख लेते हैं वी नो दैट। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है और इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको ध्यान में देना कि हमें करना है, अब यहाँ पर ए बी लिखा तो हम ए बी को इधर छोड़ते हैं और सी को इधर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए मैं एंगल का साइन हटा देता हूँ और खाली ये लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर 180 इधर ये प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास टू साइड बन गई हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, बीच में इक्वल का साइन आ गया है। ठीक है, अब ये डिवाइडिंग करते हैं हम इनको टू से। ठीक है, आइए कर लेते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टू। ठीक है, टू से डिवाइड कर देते हैं, देखिए ए प्लस बी बाई टू और इक्वल, इधर भी हम लिख लेते हैं 180 बाई टू और इसको भी अलग से कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब टू से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा 90। तो एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो ए प्लस बी बाई टू इक्वल आ गया 90 माइनस सी बाई टू इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया। अब आपको बच्चों देखिए यहां पर लिखा कोशिक, तो हम क्या करते हैं दोनों को कोशिक में लिख लेते हैं। देखिए यहां पर कोशिक ए प्लस बी बाई टू, इधर भी लिख लेते हैं इक्वल कोशिक, दोनों कोशिक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहां पर ब्रैकेट 90 माइनस सी बाई टू इस तरीके से। ठीक है, कोशिक से दोनों टर्म को, मीन्स राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को, हमने दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये तो समझ में आता है कि हमें इसे यू का यू लिखना है। अब ये फॉर्मूला आगे तो आपको मालूम ही होगा ये वाला, तो कोशिक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, सेक के। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और थीटा आपका क्या है, सी बाई टू, ये सी बाई टू मैंने लिख दिया है। तो इस तरीके से तो ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है बच्चों। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना। तो आइए चलते हैं अगले पार्ट पर। यहाँ पर देखिए अगला पार्ट भी मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और एक बार फिर मैं इसको आपको स्पोर्ट मेटेरियल में रीड करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्पोर्ट मेटेरियल के अंदर क्वेश्चन नंबर ये 37। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बी पर 90 डिग्री का है और ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड ए सी बी 30 डिग्री, फाइंड बी सी एंड ए सी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है बी सी और ए सी की, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इधर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ इस तरीके से, हम इसको नाम देंगे ए और बी पर ये 90 डिग्री का है जैसा कि लिखा हुआ है और यहाँ पर देते थे सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ए बी तो है 5 सेंटीमीटर, ये मैं 5 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ और आगे लिखा है एंगल ए सी बी, ये यानी जो बीच में होता है ना वही एंगल होता है, ये है आपका 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अब हमें फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, एक तो ए सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, बी सी की फाइंड आउट करनी है। अब आप देखिए यहाँ पर
ये परपेंडिकुलर की लेंथ दी हुई है और यहां पर ये एंगल दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर किस किस थीटा में आता है, मीन्स जो वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए साइन साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 अगर हमने ले या साइन थीटा ले तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपरन्यूज, ये होता है। या फिर टेन में आता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप या तो साइन ले सकते हैं या फिर टेन थीटा ले सकते हैं। आइए मैं टेन ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब यहां पर लिखा टेन थर्टी, तो थर्टी लिख लेते हैं, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर तो ए बी हो गया ना, और बेस, ये इस तरीके से। तो टेन थर्टी की वैल्यू होती है बच्चों वन रूट थ्री, ठीक है यहां पर। और ए बी की है फाइव, और बी सी की तो हमें फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीसी को वन से मल्टीप्लाई करते तो बीसी, और इक्वल यहां पर फाइव को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रूट में नहीं है, तो हम लिख सकते हैं फाइव रूट थ्री। तो बीसी की लेंथ आ गई फाइव रूट थ्री, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब हमें एसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो एसी की कैसे कर सकते हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, या फिर आप फिर वही कर सकते हैं साइन का यूज करते हुए, मीन्स साइन थर्टी का। आइए मैं साइन थर्टी का यूज कर लेता हूं। तो साइन थर्टी तो क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर मैं लिखता हूं ए बी बाई बी सी, ओ सॉरी ए बी बाई ए सी यहां पर, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपरन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और ये ए सी आ गया, ठीक है, हाइपरन्यूज की। तो साइन थर्टी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, मैं इधर लिख लेता हूँ, साइन थर्टी की वैल्यू होती है वन बाई टू, और इक्वल ए बी, ए बी क्या है अपना फाइव, और ए सी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ठीक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए सी को वन से करते तो ए सी ही आएगा, और फाइव को टू से करते फाइव टू जा टेन, तो ये आ गई बच्चों। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आइए इधर मैं लिख लेता हूं, तो बी सी जो है अपनी वो आ गई फाइव रूट थ्री सेंटीमीटर, और यहां पर ए सी आ गई अपनी टेन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना, और दूसरों को जरूर सिखाना। चलो अगले पार्ट पर चलते हैं। यहां पर ये भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ये देखिए पार्ट नंबर 38 पर हम करने वाले हैं। इफ टेन थीटा इज इक्वल कोट 30 प्लस थीटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीबीएसई 2012 में ये आया हुआ है, और इस टाइप के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। तो आइए करना शुरू करते हैं। और इस क्वेश्चन को भी मैंने बच्चों पहले से लिख के रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, इधर ये मैंने इधर लिख के रखा है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो आइए करना शुरू करते हैं। देखिए एक बार मैं लिख लेता हूं, टेन थीटा इक्वल यहां पर दिया कोट, और ये 30 डिग्री प्लस थीटा, तो हमें निकालनी है वैल्यू। अब टेन थीटा क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर तो टेन थीटा इक्वल होता है कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। तो हम टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कोट 90 माइनस थीटा, ये ठीक है। तो इस टेन थीटा की जगह क्या लिख रहे हैं, कोट यहां पर 90 माइनस थीटा, इस ऐसे हम लिख रहे हैं, और इक्वल इधर ही देखिए कोट 30 प्लस थीटा। अब आप देखिए यहां पर कोट मल्टीप्लाई की फॉर्म में आई, तो इसको हटा देते हैं, और हम लेते हैं 90 ये डिग्री माइनस थीटा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ऐसे। आइए अब क्या करना है, थीटा को आप इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, ये इधर आकर ये भी माइनस का हो गया, और इक्वल ये 30 डिग्री, और इधर ये प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा ऐसे। तो माइनस थीटा और माइनस थीटा हो गए माइनस टू थीटा, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, बड़े नंबर के सामने माइनस है, इसलिए माइनस का आएगा। और 90 में से 30 माइनस कर दीजिए 60, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो माइनस से माइनस का साइन मैं काट देता हूँ, और थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए 60, और 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, और 2 से इसको डिवाइड कर देते तो 30 डिग्री आ गया। तो थीटा की वैल्यू बच्चों आ गई 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इस पार्ट में भी मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। आपको ये कैसे लगे, अच्छे लगे
तो बच्चों इसमें से सीख कर दूसरों को जरूर सिखाएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं। प्रैक्टिस में जो बोलता हूँ कि आप दूसरों को जरूर सिखाएं, उसका एक ही मकसद होता है कि आपको दूसरों को सिखाना है, अपने लिए सिखाना है। जब आप दूसरों को सिखाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, और ज़्यादा प्रैक्टिस होने का मतलब है कि आपको मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।